मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पाटोदा में आज ने योग संन्यास आश्रम, शिव मठ गाड़ोता धाम, जानकी नाथ आश्रम, मीरण व दशनाम जूना अखाड़ा दत्त आश्रम खाखोली गाँव में गुरु पूर्णिमा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भक्तों द्वारा आश्रम में स्वामी गोविंदानंद गिरी महाराज के चरणों का पूजन कर गुरु जी का पंचामृत से अभिषेक कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन किया गया। गुरु पूर्णिमा ही और ये गुरु पूर्णिमा का उपलक्ष्य में महाराज श्री गोविंद गिरी जी महाराज का आश्रम आया। दानिगन आश्रम है, बहुत ही शानदार आश्रम है और सो बड़ी बात के 5 मिनट को सत्संग सुनो, आनंद आगो, जय शंकर। जीवन में गुरु भी एक ऐसा साधन है, एक ऐसी सीढ़ी है जिसको पाकर हम अपने जीवन रूपी लक्ष्य को, अपने मनुष्य होने रूपी लक्ष्य को और जो अंतिम निर्णय है और अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का जो साधन है वो मात्र गुरु ही है। गुरु चाहे सांसारिक हो चाहे गुरु आध्यात्मिक हो, वह अपने शिष्य को निरंतर प्रकाश की ओर ले जाता है, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। डीडवाना में छात्र संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर रिचपाल सिंह बुर्डक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कॉलेज प्रशासन व कुछ छात्र नेताओं द्वारा विकास शुल्क की फर्जी रसीदें काट कर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की जा रही है। राजलदेसर के भारतीय विद्यापीठ महाविद्यालय में प्राचार्य का छात्रों के साथ दबंगता पूर्वक रवैया करने का मामला सामने आया है। महाविद्यालय के छात्रों द्वारा प्राचार्य को फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र देने पर प्राचार्य द्वारा प्रार्थना पत्र फाड़ दिया गया। मामले को लेकर पूर्व चेयरमैन गोपाल मारू ने प्राचार्य व संस्था ट्रस्टी से वार्ता करी। कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों ने मुझे कॉल किया, ऐसी स्थिति होगी आप कॉलेज आए तो उनका कहना है कि बाहर के बच्चे थे, सीसीटीवी लगे हैं, उनसे एक तो मैं चाहता हूँ उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए जिससे कॉलेज में न्यूसेंस ना हो भविष्य में, कि बाहर के विद्यार्थी अपने कॉलेज में आके न्यूसेंस ना करे। अगर बाहर के विद्यार्थी नहीं है पर इन्होंने प्रिंसिपल साहब ने अगर वो एप्लीकेशन फाड़ी है तो ये इनका गंभीर अपराध है, क्योंकि बच्चे आपके स्टूडेंट्स हैं, उनकी आपको सुननी पड़ेगी। फीस का इश्यू ये है कि कोविड की वजह से स्थिति ऐसी होगी, लोगों के घर में रोटी की समस्या होगी, कुछ कहाँ से देगी। नहीं नहीं, इस विषय में मेरा कुछ भी नहीं कहना। कुछ कॉलेज से बाहर के विद्यार्थी थे जो कुछ कागज लेके आए थे, मुझे बिल्कुल ध्यान में नहीं है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे जो मिशन स्पेक्ट कर रहे थे, हमने केवल आज छात्राओं को बुलाया था और छात्राओं का प्रैक्टिकल चल रहा था, इसी दौरान उन्होंने यहाँ पे परिसर में आके नेतागिरी करना शुरू किया। और ऐसे में जो बाहर के विद्यार्थी थे उनको हमने बाहर जाने के लिए भी कहा, 2-3 बार कहा, वो गए नहीं। ऐसी स्थिति में हमने उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया, लेकिन कुछ विद्यार्थी न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ ऑफिस तक भी आए। कॉलेज फीस न लेकर के मैं आज विज्ञापन दिया प्रिंसिपल ने, तो विज्ञापन का मैंने प्रिंसिपल भी फाड़ दियो। विज्ञापन के अंदर आ मांगी का एक फीस है जी 100% जमा कौन दे सका, मैं मार घर का भी सक्षम कोनी, फीस ना माफ़ कर माफ़ न लेकर विज्ञापन दियो, मैं जो को भी फाड़ दियो। 50% में फीस दे चुका और पकाया जी फीस है वो माफ़ कर रहा कोनी, और फीस न दे रहा जो मान कॉलेज में भी इंटर कोनी होने दे रहा, और टीसी कार्ड ने खातर भी मतलब क्यों गया माने, और अब फीस नहीं दी तो प्रैक्टिकल एग्जाम भी कौन दे सका और परीक्षा भी कौन दे सका, आदम की मतलब चेतावनी दी गई है। अंबाजी में आर्मी की तैयारी कर युवाओं के लिए 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीबन 200 युवाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में जीतने वाले युवाओं को टोपी व मेडल देकर सम्मानित किया गया। अंबाजी जेएमबी डिफेंस एकेडमी अंबाजी राठौड़ जीतूभाई मेहरोजी जे ट्रेनर कोच छू, जे आज 1600 मीटर इवेंट नु आयोजन करेलू, एनी अंदर गुजरातना 160-170 छोकरा भाग लीधो, अथवा एना सिवाय अंबाजी 31 छोकरा पार्टिसिपेट करू, और एनी अंदर जे बलिदान डिफेंस एकेडमीना जे 3 छोकरा फर्स्ट सेकंड ने थर्ड आवेला छे एमने शुभेच्छा पाठवू छू। मने बहु बधो अनुभव मळ्यो छे, एक तो खास तो सुविधा भी એકેડેમીની સારી છે, અહીંયા જે એકેડેમી નવી એકેડેમી ખુલી છે અંબાજીમાં મને બહુ સારી લાગી છે, સુવિધા બી સારી છે, વ્યવસ્થા બી બહુ સારી છે, કઈ જાતનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, કઈ જાતની કોઈ પ્રોસેસ પૂરી પાડી છે। પીપલદા વિધાનસભા ક્ષેત્ર કે યુવાઓ દ્વારા ટ્વીટ અભિયાન શરૂ કિયા ગયા। कोटा दिगोद ग्वालियर रेल परियोजना मांग हेतु ट्वीट अभियान के अंतर्गत ट्विटर ऐप के माध्यम से परियोजना को ट्रेंड करवाने के लिए हजारों युवाओं द्वारा रेल परियोजना के कार्यों को जल्द शुरू करवाने की मांग को लेकर ट्वीट किया जाएगा। राजधानी जयपुर के करनी विहार इलाके में घर की बहू ने ससुराल आकर दीवार कूद के अंदर प्रवेश किया
वह पत्थर से गेट व खिड़की पर तोड़फोड़ करने लगी। रोचक बात यह रही कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। बताया जा रहा है कि परिवार में बहू व बेटे में तलाक का मामला भी कोर्ट में चल रहा है। महिला ने ससुराल पक्ष से अपना हक मांगने के लिए सारे हंगामे को अंजाम दिया। अब ये 5-6 साल होगी शादी करी हुई है, इसमें 5-6 साल से आ नहीं रही थी ये। बीच में एक दो बार आई तो ये कभी तो प्रॉपर्टी मांगती है, कभी फ्लोट ना कराओ, आती नहीं है, लड़ झगड़ के चल जाती है, 2 या 3 दिन रुकती है, अपने आप ही जाती है, अपने आप ही कभी आ जाती है। ये है मामला इसका। पुलिस वाला साहब ये आई और घंटी बजाई तो घंटी नहीं, आपने गेट नहीं खोला तो पुलिस वाले घंटियाँ बजाए, हमारे को आवाज़ देते रहे गेट खोलो तो हमने आके मना कर दिया, गेट नहीं खोलेंगे, हमारी मामला चल रहा है, तलाक का केस कर रखा है और तलाक जो भी कोर्ट फैसला करेगी उसमें अब मान्यता है हमारी। बूंदी में बेटे के हत्यारों को पकड़वाने के लिए पिछले 4 माह से दर दर की ठोकरें खा रहे बूढ़े माता पिता को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। काशपुरिया ग्राम निवासी देशराज की 4 माह पूर्व हत्या कर दी गई। परिजनों ने नैनवा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर इंसाफ की मांग की है। रोड पे लगा रखी दुकान का पीछा हो छोरा ने मांगा था, सुबह यार फोन दिन हो गया पीछा दे। अच्छा, पीछा मांगा था मारा ना, और खाए ने क्यों जिन्होंने घर वाले क्वार्टर मारे थे। जो करेंगे भाई कर रहे हैं, जांच ऐसे बोल रहे अब तो कोई जांच नहीं हो रही, पहले भी ऐसे ही बोले, मैं एसपी पास सब जगह जाके आ गया, कुछ भी मेरे को कुछ नहीं मिला, ऐसे बोलते भाई अब जांच चल रही है, ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं हम। एसपी तक जाया है आप? एसपी सारे आईजी तक भी जाके आ गए। मैं सामा का बच्चा को हत्या की, हत्या की गई आपके बच्चे कितना वर्ष हो गया? 4 महीना हो गया। 4 महीने से कोई सुनवाई नहीं है। बूंदी जिले के धनेश्वर डाबी क्षेत्र में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की सीमा पर वन विभाग व खान विभाग की मिली भगत के चलते धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन करके सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। विभागों की मिली भगत के कारण अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे मकान के बर्तन पड़ते हैं, हमारे दीवारें फट गई, बहुत परेशानी आ रही है, कान है इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है हमें, और है ना ये बहुत डीपोल चलाता है, कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस कोई वन विभाग वाले सभी बिके हुए हैं यहाँ पे, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पंचायत और सेक्रेटरी के पास कई जगह जा चुका हूँ, पहले बार के बाद पटरे बनने नहीं दे रहे हैं, कलेक्टर घोड़े भी दिया है, बूंदी में भगवान केशवराय के मंदिर पर देवस्थान विभाग की अनदेखी के चलते इन दिनों मूर्ति कला व स्थापत्य कला जर्जर होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर देवस्थान विभाग मंदिर की साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने राज्य सरकार से बजट देकर मंदिर की स्थापत्य कला को जर्जर होने से बचाने की मांग की है। मंदिर का जीर्णोद्धार होना जरूरी है, मंदिर के शिखर पर बहुत सारी पीपली वगैरह बड़ वगैरह उगे हुए हैं, इनको भी कटवाया जाए और मरम्मत करवाई जाए। जोधपुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आशाराम के भक्तों की जेल के बाहर भीड़ लगी रही। आशाराम की तबीयत ठीक नहीं होने पर जांच के लिए उन्हें एम्स लाया गया। ऐसे में बड़ी संख्या में समर्थक एम्स के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए। पुलिस ने भीड़ को देखते हुए सख्ती दिखाई, जिस कारण भीड़ को निराश होकर लौटना पड़ा। हम सब भक्त बापूजी के दर्शन को आए हैं, और बापूजी का जो ये आरोप लगा है बापूजी का, वो बिल्कुल झूठा है, फर्जी मामला है, क्योंकि बापूजी धर्मांतरण को रोकते थे, और बस यही इसी कारण से। और बापूजी देखिए, बापूजी के जो जितने भी शिष्य हैं सब हम लोग निगुरे ही थे, गुरु नहीं थे, तब हम लोग का जीवन शैली अलग था, अभी बिल्कुल अलग है। जो लोग सिगरेट पीते थे, बीड़ी, जो ड्रग्स एडिक्टेड थे, वो सब आके यहाँ बदल गए, गुरु दर पे आके गुरु के दीक्षा गुरु से दीक्षा लेके गुरु ज्ञान से बदल गए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए टीवी न्यूज़।